वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज -328। ये किसी ने बोला कि इसके लिए बताओ, तो मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ। इसमें बस एक स्टेप होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा। जैसे 328 है, अगर हम इसे बाइनरी, हमेशा जो अभी तक क्वेश्चन में आए हैं वो हमेशा बाइनरी को ही कन्वर्ट करके आए हैं, आपको कभी हेक्साडेसिमल नहीं बताया या ऑक्टल का नहीं क्वेश्चन आया, तो हमेशा बाइनरी का ही आता है। तो इसलिए आपको पता है कि सिंपल ही आएगा इस बार भी। ये हो सकता है कि वो माइनस का दे दे, तो हम ये भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे 328 है, तो 328 को अगर हम नॉर्मली करते हैं तो वैसे करेंगे 2 1 2, ठीक है। ये आपको पता है 2 1 2, 2 6 12, देन 2 4 0 आ गया, 2 8 16, 2 2 4 0, 2 4 2 1 0, 2 20 40, देन 1 2 10 20, देन 2 5 10, देन 2 2 4 1 आ गया, देन 2 1 2 0 आ गया। अब इसको लिखेंगे तो 1 0 1 0 0 1 0 0 0, हमेशा इसको ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके बाद इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये नॉर्मली आ गया आपका, जिसमें हम नॉर्मली हमेशा करते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर है, यही वाला मैंने यहां लिखा है। इसको हमने एक तरह से डेसिमल में निकाल लिया, ठीक है, 4 4 में कन्वर्ट कर लिया। जब मैंने 4 4 में कन्वर्ट किया तो मैंने ऐसे किया, जैसे यहां पे 1 था, देन 0, देन उसके बाद 1, देन 0, देन 0, देन 1, देन 0, देन 0, देन 0। जब इसको 4 में कन्वर्ट करना है तो एक तो यहां पे आपका ऐसे होगा और एक आपका यहां पे होगा। बट देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे जो 4 है आपने 4 पर पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0, जितने की आपको जरूरत है लगा दिया। अब ये जो 4 4 बन गए, अब क्या करना है हमें, इसमें पहले 1 कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है, ओनली 1। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी को रिवर्स कर देना है, जैसे कि इसमें बताया, जैसे 0 0 0 1, देन 0 1 0, यही बन गया हमारा टोटल। अब इसको यहाँ पे तो नॉर्मली आया सिंपल आपका क्वेश्चन, अब जब हम इसको करेंगे ना, इसका मतलब है ये आ गया आपका 1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब ये आपका 1 कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें क्या होगा, हम रिवर्स कर देंगे 0 को 1 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये आया हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट। लास्ट इसका जो है प्रोसेस है वो है, इसमें क्या करना है, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में इसमें हमेशा 1 ऐड करना है, ओनली 1 टाइम इसमें 1 ऐड करना है। देखो 1 जब हम ऐड करेंगे तो ऐसे नहीं है कि 1 + 1 2 हो जाएगा, नहीं, जो बाइनरी का होता है उसमें होता है 1 + 1 आपका 0 होगा, 0 + 1 आपका 1 होगा। अब देखो 1 + 1 आपका यहाँ पे 0, एक ऊपर चला गया, 1 + 1 0, एक ऊपर चला गया, 1 + 1 0, एक ऊपर चला गया, 1 + 0 1। यहाँ पे सेम 1 1 0 1 0 1 1 1, तो आपका फाइनली आंसर क्या है आया है, -8 का आपका आंसर आया है, 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0, दिस इज द राइट आंसर ऑफ -328, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इसमें -328 का, कि ऐसे करना है इसको।